मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कहते हैं असंभव कुछ भी नहीं होता, अगर इंसान में लगन, जुनून और जज्बा हो तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है और सच्ची लगन हो तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पंचकुला के किसान राहुल चौहान ने। राहुल बताते हैं कि किसान परिवार से होने के चलते उनके मन में खेती के लिए हमेशा से प्यार और जुनून था, तभी तो इतनी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने खेती करना नहीं छोड़ा। किसान राहुल ने लगभग 4 साल पहले 6 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर फूलों की खेती शुरू की और आज राहुल लाल गुलाब के साथ नींबू की खेती भी कर रहे हैं। राहुल के लाल गुलाब की डिमांड आज इतनी है कि इन गुलाबों के बुके बनाकर चंडीगढ़ के बड़े व्यापारियों को भी बेचे जाते हैं। राहुल का कहना है कि ये सफर शुरुआत में इतना आसान नहीं था, लेकिन बागवानी विभाग से मिली जानकारी और सहयोग ने उनकी काफी मदद की। मेरा मेन फसल मेरी कहने में गुलाब की है, रेड रोज की मैं फार्मिंग करता हूँ मेन। उसके साथ साथ जो मेरे पास खाली स्पेस पड़ा है उसके अंदर मैं नींबू की और कुछ वेजिटेबल्स करता हूँ रूटीन में। मोटिवेशन का बहुत सर ऐसे है कि फार्मर फैमिली से बिलोंग होने करके तो मुझे था कि मैं इसी लाइन के अंदर कुछ ना कुछ हम किया जाए ताकि कुछ हम अपना बढ़िया काम कर सकें, कुछ नाम कर सकें, तो मैंने ये काम स्टार्ट। राहुल बताते हैं कि उनकी मुख्य फसल गुलाब की है, लेकिन कुछ खाली जगह होने की वजह से वो नींबू और अन्य सब्जियों की भी खेती कर लेते हैं। गुलाब की खेती से आज राहुल अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वो बताते हैं कि उनके गुलाब की रोज की प्रोडक्शन 150 बंच आती है, यानी कि वो 3000 गुलाब के फूलों का रोज उत्पादन करते हैं और आज वो इन गुलाबों से करीब 20,000 रुपए रोज का कमाते हैं, जिसमें वो अन्य लोगों को भी रोजगार देते हैं। किसान राहुल बताते हैं कि अपनी खेती में वो क्वालिटी का पूरा ध्यान देते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि खेती की क्वालिटी में कोई कमी ना आए, जिसमें उनकी मदद बागवानी विभाग से मिली जानकारी से होती है। रोज की प्रोडक्शन एवरेज पूरे साल की जो प्रोडक्शन आती है 150 बंच पर डे आती है। 150 बंच मींस 3000 फ्लावर पर डे की मेरी प्रोडक्शन है, जिसका एवरेज रेट मुझे साल का जो मिलता है राउंड अबाउट 6 रुपये से लेके 7 रुपये तक मुझे मैक्सिमम रेट मिल पाता है। कभी 3 रुपये भी होता है, कभी 10 रुपये भी होता है, 12 रुपये भी होता है, तो एवरेज जो रेट है वो 7 रुपये मिलता है। तो मीन्स हमें राउंड अबाउट 20,000 रुपये पर डे की हमारी सेल पर डे की है कैश क्रॉप। किसान राहुल बताते हैं कि जितना अच्छा प्रोडक्शन होता है मुनाफा भी उतना ही बनता है, क्योंकि मार्केट में अच्छे फूलों की डिमांड हमेशा रहती है और खास बात यह है कि इसमें पैसा भी साथ के साथ मिल जाता है। राहुल का काम सिर्फ चंडीगढ़ के व्यापारियों तक गुलाब पहुंचाना होता है, जिसके बाद व्यापारियों द्वारा उनके गुलाब पूरे पंजाब में बेचे जाते हैं। इसके साथ ही किसान राहुल अन्य किसानों को भी गुलाब की खेती करने की सलाह देते हैं। राहुल कहते हैं कि अगर कोई किसान पूरी लगन और मेहनत से गुलाब की खेती करे तो वो भी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। दरअसल प्रगतिशील किसान राहुल बताते हैं कि सफलता के पीछे उनकी प्लानिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। कोई भी बड़ा काम, भले ही वो किसान ही क्यों ना हो, अगर आप उसे पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। हमें इसको बेचने के अंदर अगर हम क्वालिटी मेंटेन रखते हैं तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ इसमें है कि हमें क्वालिटी ही मेंटेन करनी पड़ती है। अगर हम क्वालिटी की तरफ रहते हैं तो हमें 1% भी प्रॉब्लम मार्केटिंग की नहीं होती। मार्केट में अच्छे फ्लावर की डिमांड हमेशा रहती ही रहती है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती और पेमेंट भी इसकी साथ के साथ कैश मिलती है। हमारा मटेरियल राउंड अबाउट चंडीगढ़ के जो होलसेलर्स हैं हम उनके पास पेटियों में पैक करके वहाँ भेज देते हैं, वो फिर आगे फर्दर पूरा पंजाब और आसपास सराउंडिंग एरिया के अंदर वो सप्लाई करते हैं माल को। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी फार्मर गुलाब की खेती करना चाहता है तो ज़रूर करनी चाहिए, बट दिल लगा के काम करो, इसमें अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन लाओ
तो मार्केट के अंदर सेल करने की 1% भी दिक्कत नहीं है। पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ करता हूँ कि कब मेरी प्रोडक्शन आनी है, कब इसकी बेंडिंग करनी है, कब कौन से एरिया में मैंने प्लांट्स चेंज करने हैं, कब मैंने शीट चेंज करनी है। तो वो मैंने अपने फार्म को 5 हिस्सों में बांटा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक की प्लांट चेंज करता रहता हूँ, तो ताकि मेरा माल रोटेशन में रहता है, ताकि मुझे प्रोडक्शन की क्वालिटी मुझे सारा साल ओवरऑल एक जैसी मिलती रहती है। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रह, यानी कि अगर वास्तव में कोई कुछ हासिल करना चाहता है तो वो इसे हासिल करने के तरीके ढूंढता रहेगा और आखिर में सफल होकर ही रहेगा। ऐसे ही एक किसान है अंबाला जिले के प्रगतिशील किसान कंवर पाल सिंह, जो अपने गांव में 2.5 लाख की क्षमता वाला पोल्ट्री फार्म चलाते थे, लेकिन उनके इस बिजनेस में उन्हें घाटा होने लगा। कंवर पाल ने बिजनेस बंद करने का फैसला तो लिया, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने उच्च ज्ञान हासिल करके अपने पोल्ट्री फार्म में ही केले की फसल उगा दी और अपने कड़े परिश्रम से ये करके दिखा दिया कि केले की फसल, जो केवल दक्षिण भारत में ही पैदा होती है, अब उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी पैदा होगी। प्रगतिशील किसान कंवर पाल बताते हैं कि जब उनका पोल्ट्री का बिजनेस ठप हुआ, तब उन्होंने कई अन्य काम करने के बारे में सोचा, लेकिन किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए उन्हें ढेर सारे पैसे की जरूरत थी। और तब कंवर पाल को खेती में ही कुछ नया करने की तरकीब सूझी। भी मनुष्य को जरूरत होती है तो कुछ ना कुछ खोजता रहता है। जैसे ही मेरा फार्म बंद हुआ तो मुझे किसी नए काम की तलाश थी, तो नए काम काफ़ी दिमाग में आए, लेकिन उन सब के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए था। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं क्यों ना अपने खेत में ही कुछ नया करूं, अगर मैं कामयाब हुआ तो आगे जो मेरे युवा साथी हैं वो इस लाइन को देख के अच्छी खेती की तरफ जाएंगे, और अगर मैं अनफॉर्चुनेटली कामयाब ना हुआ तो जो लॉस होगा, पहले भी लॉस पड़ा, इस लॉस को भी वहन करने के करूंगा, इसलिए मैं इस लाइन में आया हूं। कहते हैं कि अगर इंसान के इरादे पक्के हैं तो वो मिट्टी से भी सोना उपजा सकता है और उसी से अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। कंवर पाल कहते हैं कि ये सब संभव बागवानी विभाग और सरकारी योजनाओं की वजह से हो पाया है। जो ज्ञान और मदद उन्हें विभाग की तरफ से मिलती थी, उसी की सहायता से उन्होंने आधुनिक खेती करना भी सीखा। आज कंवर पाल सिर्फ केले ही नहीं बल्कि मक्का और सरसों की खेती भी करते हैं। कंवर पाल का संघर्ष भरा जीवन आज अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक बन सकता है। बड़ी बात तो ये है कि प्रगतिशील किसान कंवर पाल सिंह कहते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ खेती करना नहीं था, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग भी मुझसे प्रेरित होकर खेती करें और इस क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएं। मैं हॉर्टिकल्चर विभाग का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी टाइम टाइम पे काफ़ी सहायता भी की है। मैंने जब ये प्लांटेशन की जुलाई में, तो इसके साथ मैंने मकई की फसल लगाई थी, और जो मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उस फसल ने दिया, और केला भी मेरा साथ साथ चलता रहा। और उसके बाद मैंने इसमें सरसों की फसल लगाई, वो भी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी लोगों ने उसको देखा, और जिससे कि मेरा घर का खर्चा वगैरह है, दोनों फसलों से मेरा वो चलता रहा। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक आय काफी प्रभावित होती है। सरकार द्वारा तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया करवाया जाता है। ऐसे में किसानों को इस तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। सरकार का मकसद है उन किसानों को खेती के लिए प्रेरित करना जो आज खेती से मुंह मोड़ रहे हैं।